सो हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत आप लोगों का टेक्निकल जीनियस चैनल में। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, गाइस अगर आपका जो है BSES के अंदर दोस्तों, अगर आप लोगों का न्यू कनेक्शन अगर आपको अप्लाई करना है, नया मीटर अगर दोस्तों आपको अप्लाई करना है BSES के अंदर, अगर आप दिल्ली क्षेत्र में रहते हो या फिर यमुना पावर लिमिटेड में या फिर राजधानी पावर लिमिटेड में, इस एरिया में अगर दोस्तों आप रहते हो, और दोस्तों अगर आपको BSES का न्यू कनेक्शन अगर आपको अप्लाई करना है, तो किस तरीके से दोस्तों आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों आप लोगों को पता है कि दोस्तों मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं मैं, बट दोस्तों बहुत लोगों का क्या है कि मेरे पास कमेंट आया है कि सर ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांग रहा है, ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांग रहा है, इसे अपलोड करें कि नहीं करें, हमसे दोस्तों ये मांग रहा है, ये डॉक्यूमेंट मांग रहा है। बहुत लोगों का मतलब बहुत सारे कन्फ्यूजन है इसके अंदर, ठीक है। उस वीडियो को देखने के बाद बहुत लोगों का कन्फ्यूजन था कि सर हमें ये डॉक्यूमेंट वगैरह मांग रहा है, मतलब बहुत लोगों का कन्फ्यूजन था, तो वो सारे दोस्तों कन्फ्यूजन मैं इस वीडियो के अंदर पूरा दूर करने वाला हूँ। दोस्तों देखो, BSES के अंदर दोस्तों न्यू कनेक्शन न्यू मीटर को अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगता है, जो कि आप कहते हो ज़्यादा डॉक्यूमेंट मांग रहा है वो, दोस्तों आप कन्फ्यूज हो जाते हैं वहाँ पे। दोस्तों देखो क्या है कि वो जो BSES का दोस्तों वो फॉर्म ही कुछ इस तरीके से है कि चार पाँच उसके जो है दोस्तों फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से दोस्तों है कि आप लोग जो है कन्फ्यूज हो जाते हो। बट दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद 100% मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं बहुत ही आसान करने वाला हूँ आप लोगों के लिए कि BSES का न्यू कनेक्शन मीटर अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो चलो दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, लेके चलता हूँ मैं लैपटॉप के स्क्रीन पे। लेकिन दोस्तों उससे पहले कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों देखो, BSES का जो न्यू कनेक्शन अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर दोस्तों क्लिक करके आप जा सकते हो, सीधा आप इजीली उसी वेबसाइट पे पहुंच जाओगे जहां पे आप अपना BSES का न्यू कनेक्शन अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों BSES के अंदर न्यू कनेक्शन अप्लाई करने के लिए यहां पे देखो मैं गूगल क्रोम पे आ चुका हूं। यहां पे आपको सर्च करना है आपको BSES, तो ये आपको सर्च कर लेना है BSES। इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद दोस्तों जो आपका पहला वाला वेबसाइट दिख रहा है इसके अंदर आपको चले जाना है। जैसे ही दोस्तों आप पहले वाले वेबसाइट के अंदर आप इंटर करते हो, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, आपको BSES राजधानी पावर लिमिटेड और BSES यमुना पावर लिमिटेड। दोस्तों आपके जहाँ भी आपका एरिया आता है यमुना पावर लिमिटेड में या फिर राजधानी पावर लिमिटेड में, उसके अंदर दोस्तों आपको चले जाना है। जैसे कि मेरा एरिया आता है BSES राजधानी पावर लिमिटेड, तो इसके अंदर मैं चला जाता हूँ। और अगर आपका BSES यमुना पावर लिमिटेड में आपका एरिया आता है, तो आप यमुना पावर लिमिटेड में आप चले जाना। तो मैं यहाँ पर राजधानी पावर लिमिटेड के अंदर मैं चले जाता हूँ, क्योंकि मेरा एरिया राजधानी पावर लिमिटेड में ही आता है, ठीक है, न्यू दिल्ली की तरफ। तो दोस्तों जैसे मैं इसके अंदर अब इंटर करूँगा, यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार से आपके पास इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे आपको देखो दोस्तों ऊपर आपको मिल जाएगा आपको टोल फ्री नंबर, जो कि कस्टमर केयर से बात कर सकते हो। SMS सर्विस भी आपको मिल जाता है, उसका भी नंबर ऊपर आपको शो हो जाएगा। न्यू कनेक्शन का भी ऊपर शो हो जाएगा, और आपको व्हाट्सअप रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन ऊपर शो हो जाएगा। बट अभी हमें यहाँ पे न्यू मीटर अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपको जाना है कनेक्शन सर्विस में। यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेंगे आपको, न्यू कनेक्शन, चेंज रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट स्टेटस। आपको यहाँ पे जाना है न्यू कनेक्शन में। उसके बाद दोस्तों जैसे आप न्यू कनेक्शन वाले ऑप्शन में जाते हो, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिलेगा आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा। यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी यहाँ पे डाल के आपको लॉगिन करना है। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे उस पर OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। और OTP डालने के बाद आपको सबमिट करोगे, आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद दोस्तों ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे मेरे OTP आया है, तो दोनों में से कोई सा भी OTP आप यहाँ पे डाल सकते हो। और OTP डालने के बाद यहाँ पे मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे इसको सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको न्यू कनेक्शन का, तो न्यू कनेक्शन वाले ऑप्शन के अंदर आपको चले जाना है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर दोस्तों जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट और मिलेगा आपको अप्लाई ऑनलाइन। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि BSES के ऑफिस में जाके आप चाहते हो कि वहाँ पे न्यू मीटर के लिए अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट ले सकते हो। बाकी यहाँ पे मैं दिखाऊंगा दोस्तों ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, घर बैठे भी आप कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपके पास फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कस्टमर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको डालना होगा, जैसे कि कस्टमर टाइप में आपको सिलेक्ट करना है इंडिविजुअल, क्योंकि हम यहाँ पे इंडिविजुअल ही अपना जो घर के लिए जो मीटर है वो अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इसको इंडिविजुअल कर लेंगे सिलेक्ट। उसके बाद दोस्तों हम आ जाएंगे नीचे यहाँ पे टाइटल में। तो टाइटल में दोस्तों आप जिसके नाम पे कनेक्शन कर रहे हो, किसके नाम पे कनेक्शन अप्लाई कर रहे हो, मीटर अप्लाई कर रहे हो, मिस्टर है, मिसेज है या फिर अदर है, जो भी है दोस्तों उसका टाइटल वो यहाँ पे आपको कर लेना है सिलेक्ट। टाइटल सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ डालना आपको फर्स्ट नेम, यहाँ मिडल नेम या फिर लास्ट नेम, ठीक है, ये आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ उसका एक फोटो अपलोड करना है, जो कि दोस्तों 100 KB के अंदर होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर भी एक अपलोड करना है आपको, जो कि 50 KB के बीच में सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे फादर या फिर हस्बैंड का नाम यहाँ पे आपको डालना होगा, और नाम डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर आपको कर लेना सिलेक्ट आप सन हो, डॉटर हो या फिर वाइफ हो, ठीक है, ये आपको कर लेना सिलेक्ट। तो चलो यहाँ पे मैं फटाफट से सारे डिटेल्स यहाँ पे भर लेता हूँ, फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो सारे डिटेल्स फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं फॉर कम्युनिकेशन एड्रेस। तो यहाँ पे एड्रेस वगैरह आपको डालना है, जैसे कि यहाँ पे हाउस नंबर या फिर प्रॉपर्टी नंबर भी आप यहाँ पे दे सकती हो। उसके बाद यहाँ पे फ्लोर करना है आपको सिलेक्ट, ग्राउंड फ्लोर हो, बेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, जिस फ्लोर पर भी आप रहते हो वो आपको यहाँ पे कर लेना है सिलेक्ट। आपका पूरा घर है तो घर में दोस्तों आप ग्राउंड फ्लोर कर सकते हो सिलेक्ट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बिल्डिंग नेम, स्ट्रीट, गली नंबर आपको डालना है, कॉलोनी, आपको लैंडमार्क, देखो लैंडमार्क दोस्तों ऑप्शनल है, ये आप डालो तो डालो, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हो। लैंडमार्क डिटेल अगर आपको डालना है तो डाल देना, अदरवाइज इसको भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं सिटी पोस्टल कोड। दोस्तों सिटी पोस्टल कोड क्या होता है, ये आपके एरिया का पिन कोड पूछ रहा है। जैसे दोस्तों एरिया के जो पिन कोड होता है वो एरिया का पिन कोड यहाँ पर आपको डालना है सिटी पोस्टल कोड में, ठीक है, ये आप यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कह रहा है वेयर सप्लाई इज रिक्वायर्ड, ठीक है, आपका सप्लाई का कहाँ पे रिक्वायर्ड है, कौन से एरिया में, तो वो एरिया का नाम आपको यहाँ पे डालना नियर बाय, ठीक है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे डाल लेना। डालने के बाद दोस्तों डिवीजन आपको छोड़ देना है, डिवीजन आपको नहीं डालना है। तो चलो दोस्तों फटाफट से मैं यहाँ पे सारे डिटेल्स वगैरह भर के तब मैं आपसे मिलता हूँ। तो ऊपर दोस्तों मैंने सारे एड्रेस डिटेल्स वगैरह भर दिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको डालना है वेयर सप्लाई इज रिक्वायर्ड, तो उसके नियर बाय का एरिया आपको करना है सिलेक्ट। तो यहाँ पे आप डालोगे तो सारे डिटेल्स यहाँ पे आपका शो हो जाएगा, देखो जितने भी एरिया है वहाँ के नियर बाय सब कुछ शो हो जाएगा, जो भी आपका पॉकेट हो, जो भी आपका एरिया हो वो आपको कर लेना है यहाँ पे सिलेक्ट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है इस सप्लाई एड्रेस सेम कम्युनिकेशन एड्रेस, अगर आपका सेम है तो आपको टिक लग रहे देना, जो आपने ऊपर एड्रेस डाला है वो सारे एड्रेस नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों ये एड्रेस गलत है आपका, मतलब अलग है, तो यहाँ पे अनटिक करके आप जो है मैनुअली यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डालना है, यहाँ पे कह रहा है लैंडमार्क डालने के लिए, जैसे कि मैं प्लॉट नंबर डाल देता हूँ, या फिर आप डाल सकते हो यहाँ पे पिलर नंबर, ये सब आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कनेक्शन डिटेल्स, तो दोस्तों किस टाइप का आपको कनेक्शन अप्लाई करना है, किस टाइप का कनेक्शन आपको चाहिए। दोस्तों अगर आप देखो यहाँ पे टेम्प्रोरी पर अगर आप सिलेक्ट करते हो, टेम्प्रोरी में दोस्तों क्या होता है कि दोस्तों अगर आपके घर में पार्टी फंक्शन है, अगर आप 1 महीने 2 महीने के लिए आप कनेक्शन अप्लाई कर रहे हो, तो आप टेम्प्रोरी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके और कितने डेट से लेके कितने तारीख से लेके कितने तारीख तक का आप अप्लाई करना चाहते हो वो आप यहाँ पे कर सकते हो टेम्प्रोरी कनेक्शन, ठीक है। BSES में टेम्प्रोरी कनेक्शन भी आपको मिल जाता है, ठीक है, बट यहाँ अभी हम घर के लिए कर रहे हैं परमानेंट, तो हम यहाँ पे परमानेंट कर लेंगे सिलेक्ट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी में हमें जाना है डोमेस्टिक में, ठीक है। तो देखो डोमेस्टिक और नॉन डोमेस्टिक क्या होता है, दोस्तों देखो डोमेस्टिक वो होता है कि अगर आपने पहले से अगर आपने कनेक्शन लिया हुआ है और फिर दोबारा आप अप्लाई करो, दूसरा मीटर आप अप्लाई करो, तो वो डोमेस्टिक में आएगा, ठीक है। बाकी आप फर्स्ट टाइम अगर आप बिल्कुल फ्रेश बिल्कुल फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो तो वो आपका नॉन डोमेस्टिक में आएगा। तो हम यहाँ पे इसको डोमेस्टिक कर लेते हैं सिलेक्ट। तो चलो मैं इसको डोमेस्टिक करता हूँ सिलेक्ट। डोमेस्टिक सिलेक्ट कर लिया दोस्तों मैंने, और डोमेस्टिक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कह रहा है लोड, कितने किलोवाट का लोड चाहिए आपको, तो यहाँ पे हम डालेंगे 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का लोड चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कह रहा है पर्पस ऑफ सप्लाई, दोस्तों किस पर्पस के लिए आपको यहाँ पे सप्लाई कनेक्शन चाहिए। तो यहाँ पे हमें डोमेस्टिक केयर में सिलेक्ट कैटेगरी, तो यहाँ पे आपको डोमेस्टिक डाल देना है। अगर आप वहाँ पे नॉन डोमेस्टिक करोगे तो यहाँ पे आपको नॉन डोमेस्टिक करना है। तो हमने यहाँ पे डोमेस्टिक डाल दिया। डोमेस्टिक डालने के बाद यहाँ पे कह रहा है टाइप ऑफ एरिया, तो यहाँ पे दोस्तों आपको टाइप ऑफ एरिया में दोस्तों आपको अदर कर लेना है सिलेक्ट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कह रहा है टाइप ऑफ परमिस, तो दोस्तों यहाँ पे आपको ओवन कर देना है, क्योंकि आप अगर ओनर हो तो आप यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन करोगे सिलेक्ट, अगर आप किराएदार हो तो यहाँ पे आप जो है अदर वाले ऑप्शन पे कर सकते हो सिलेक्ट, ठीक है। तो ये हमने कर लिया यहाँ पे सिलेक्ट। उसके बाद कह रहा है टाइप ऑफ यूज बिल्डिंग, ठीक है, यहाँ पे जिसके हमारे रेजिडेंटल अगर आपका बिल्डिंग है तो वो करना है, होटल, गेस्ट हाउस, इंडस्ट्रियल एरिया, बिजनेस पर्पस या फिर अदर। तो दोस्तों मेरे यहाँ पे जो है रेसिडेंटल बिल्डिंग है मेरा, तो मेरा पर्सनल बिल्डिंग है, मेरा पर्सनल घर है, उसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला कर लेना सिलेक्ट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कह रहा है यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कोड UPIC अवेलेबल, अगर दोस्तों आपके पास ये अवेलेबल है तो आपको येस करना है, और यहाँ पर आपको UPIC नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर लेना है सिलेक्ट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म, तो डिक्लेरेशन फॉर्म दोस्तों आपको ये देख लेना है, पूरा पढ़ना है तो पढ़ लेना, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हो। जो जो डिटेल्स वगैरह आपने भरा है वही है सब कुछ डिक्लेरेशन फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है, और टिक करने के बाद दोस्तों नीचे हम आएंगे, नीचे यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पे कह रहा है आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, अगर दोस्तों आइडेंटिफिकेशन प्रूफ में आप क्या लगाना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस या फिर इलेक्ट्रोल आइडेंटिफिकेशन, आधार कार्ड, फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय एनी गवर्नमेंट, पासपोर्ट या फिर पैन कार्ड या फिर राशन कार्ड,
दोस्तों मैं यहाँ पे जो आधार कार्ड लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड कर लूँगा सिलेक्ट। तो दोस्तों देखो यहीं पर ही आपको दोस्तों प्रॉब्लम आ रहा था, जो कि दोस्तों 2023 से पहले जितने भी BSES के न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे थे तो यहीं पर ही दोस्तों आपको प्रॉब्लम आ रहा था कि हमारे पास ये सर्टिफिकेट मांग रहा है, वो सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो बहुत कुछ आपको दिक्कत, बहुत कुछ कन्फ्यूजन था। तो इसलिए दोस्तों मैंने वीडियो बनाया 2023 में। देखो बहुत ही आसान हो गया, सिर्फ और सिर्फ दो ही डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड करने हैं। पहले 5-6 करने पड़ते थे, बट यहाँ पे आप सिर्फ दो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में मैंने आधार कार्ड कर लिया सिलेक्ट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कह रहा है आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट नंबर, तो यहाँ पे दोस्तों आपको आधार कार्ड का जो नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे उसका नंबर यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अपलोड फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको आधार कार्ड का PDF जो दोस्तों वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो आधार कार्ड का PDF मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। आधार कार्ड का PDF मैंने अपलोड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ओनरशिप प्रूफ में। तो यहाँ पे देखो 4-5 ऑप्शन मिलेंगे आपको यहाँ पे, जैसे कि GPA, अगर आपका GPA है, जैसे कि दोस्तों आपका GPA मान लो रजिस्टर्ड, आपका मकान जो है रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, GPA है, तो GPA का दोस्तों आप कॉपी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। बाकी यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर भी अपलोड कर सकते हो, वैलिड लेस एग्रीमेंट भी कर सकते हो, मतलब जो भी इनमें से देखो जो भी आपके पास है वो उसका आप कॉपी जो है यहाँ पे आप अपलोड कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पे देख लो 4-5 चीज़ यहाँ पे शो रहा है, इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करके आप अपलोड कर लेना। तो मैंने GPA कर रखा सिलेक्ट। GPA सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं GPA का यहाँ पे जो है एक PDF में जो डॉक्यूमेंट है GPA का उसका PDF मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे एक मिलता है आपको डॉक्यूमेंट्स चेक लिस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जो है दोस्तों एज इट इज उसको ऐसे ही रहने देना है, येस नो पे कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। तो एज इट इज जैसा है वैसे ही आपको यहाँ पे रहने देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो नीचे की साइड यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है इंटर योर ईमेल आईडी। दोस्तों जो भी यहाँ पे ईमेल आईडी आप डालोगे वही ईमेल आईडी आपका जो है रजिस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलता है आपको प्रीव्यू और सबमिट का। आपको दोस्तों सबसे पहले प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर कर लेना है क्लिक, और प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हमें पहले चेक कर लेना है, पहले अभी आपको देख लेना है कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, जो भी डिटेल्स आपने भरा है, सब कुछ सही है कि नहीं। कुछ भी अगर आपको मिस्टेक लगता है तो उसको आप एडिट कर सकते हो अभी, ठीक है। एक बार सबमिट होगा तो उसके बाद एडिट नहीं कर पाओगे, इसलिए पहले आप सब कुछ चेक कर लो। सब कुछ अगर आपका सही है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको आना है वापस और सबको सबमिट कर देना है, ठीक है। जो भी डिक्लेरेशन फॉर्म में अगर आपका सब कुछ सही है, देखो यहाँ पे प्रिंट का एक ऑप्शन मिल रहा है, अगर आपको प्रिंट करके इसको निकालना है तो प्रिंट करके आप इसको निकाल लेना, या फिर आप PDF में इसको डाउनलोड कर लेना। उसके बाद वापस आते हैं, वापस आने के बाद दोस्तों हम इसको सब कुछ हमारा सही है तो उसके बाद हम इसको यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। जैसे आप सबमिट करोगे दोस्तों यहाँ पे आपका एक ईमेल आईडी जो आपने दिया है उस ईमेल आईडी का दोस्तों वेरिफिकेशन होगा, उस ईमेल आईडी पे कोड जाएगा 6 डिजिट का OTP, तो वो दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पे डालना होगा। तो चलो यहाँ पे हम वेरिफिकेशन के लिए सबमिट कर देते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद मेरे ईमेल आईडी पे एक OTP आया होगा, तो चलो फटाफट से मैं चेक कर लेता हूँ मेरे ईमेल आईडी पे OTP आया है कि नहीं आया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो मेरे पास OTP आ चुका है, तो वो OTP मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो OTP मैंने यहाँ पे डाल दिया, और OTP डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इसको सबमिट कर देना है। अब दोस्तों हम इसको यहाँ पे सबमिट करते हैं, हमारा ईमेल आईडी भी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, और हमारा दोस्तों देखो ये जो BSES का न्यू मीटर जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो भी हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे और अप्लाई हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा आपको फॉर न्यू कनेक्शन रिक्वेस्ट ऑनलाइन मोड, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो तो लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको सर्विस ऑर्डर नंबर आपको मिल जाएगा, ऑर्डर डेट आपको दिख जाएगा, नेम और यहाँ मोबाइल नंबर और डिवीजन ऑफिस, आपका लोड कितना है वो भी आपने जो लिया है वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आपको क्या करना है, सीधा कंट्रोल पी करके आपको इसका PDF डाउनलोड कर लेना है या फिर प्रिंट आउट करके निकाल लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों BSES के अंदर जो आप अपना न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई, न्यू मीटर अप्लाई कर सकती हो। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा BSES के अंदर न्यू मीटर यानी न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करना कितना आसान हो चुका है 2023 के अंदर। तो दोस्तों देखो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।